बिक्री में 1.98 रुपए में है। अच्छा भैया डिमांड। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर आलू मंडी कानपुर में। आज की अगर बात की जाए तो कन्नौज के किसान भाई कमेंट करके कहते हैं कि भैया हाईलैंड आलू का भाव बताओ, और आज हाईलैंड आलू बिकी है और सभी मंडियों का रिकॉर्ड टूटा है। चकरपुर आलू मंडी में दिखाइए भैया हाईलैंड आलू, ये दिखाएंगे। तो ये हाईलैंड आलू है, हाईलैंड आलू का भाव की बात की जाए तो 20 रुपए, मतलब 20 रुपए 50 पैसे किलो के हिसाब से बिका है। और अगर बात की जाए धान के दाम है, और अगर बात की जाए बाकी खर्चे होते कहीं ना कहीं व्यापारी के होते हैं। इधर अगर देखेंगे तो इधर भैया थोड़ा आगे बढ़ जाइए, ये दिखाएंगे तो लाल आलू है और लाल कंचन आलू है। कंचन आलू की बात की जाए तो कंचन आलू क्या रेट में बिका है भैया? आरती महोदय बातचीत करते हैं। ये 18.5 रुपए बिका है। 18.5 रुपए किलो जी। ये 21 रुपए बिकी है। ये 21 रुपए। तो भैया 21 रुपए हाईलैंड, देखिए ये वाला हम आपको दिखाएं, ये अगर देखेंगे तो 21 रुपए किलो हाईलैंड है 21 रुपए में। और अगर बात की जाए कुंटल का तो 2100 रुपए कुंटल हो जाएगा, क्योंकि कानपुर मंडी में कुंटल के हिसाब से ही बिकता है। तो भैया आरती महोदय हैं, आज बातचीत भी चलती रहेगी। ये भैया हाइब्रिड ख्याति आलू, ये बिका 18.5 रुपए का। 18.5 रुपए मन भाई कुंटल किलो के हिसाब से, मतलब हाँ कुंटल के हिसाब से। जी जी 18.5 रुपए कुंटल के हिसाब से है। और ये अगर बात की जाए तो भैया कितने विकेट की लाट थी? ये है 119 रुपए की लाट, भैया बैठे इनकी लाट है। ये भैया अपना कौन सा क्षेत्र है? कहाँ रहते हैं? अरे हमारी आप ही काला था। अच्छा आपने खरीदा है? खरीदा है दादा, आप यही कानपुर रहते होंगे? तो फिलहाल मैं कानपुर रहता हूँ, कन्नौज क्षेत्र के हमारे किसान भाई आलू लेके आए हैं। तो भैया ये डंप वाला आया खेत से? डंप वाला डंप चल रहा है अभी। अभी कोल्ड वाला कुछ आया है क्या? आया है। कोल्ड वाले क्या भाव खुला कुछ अपने? 18.19 रुपए 18.5 से 19 रुपए हाइब्रिड आलू का। हाइब्रिड 37-97 जो जैसा आलू है वैसा भाव है। अच्छा दादा अभी हाईलैंड कुछ आपकी नजर में आया, कोल्ड वाला कुछ खुला हुआ इस तरीके? हाईलैंड अभी कोल्ड वाली नहीं है, घर वाली आ रही है। लाने कोई मतलब ही नहीं है। तो हाईलैंड बिक्री 21 रुपए है, 19 रुपए कोल्ड। दादा दादा क्या कह रहे हैं? आ दादा व्यापार व्यापारी खरीदार है, बिहार का है, बिहार के हैं। हाँ बिहार का। तो दादा कितना गाड़ी बना देते हैं? एक गाड़ी बनाए हैं, एक गाड़ी दो गाड़ी बनाते हैं, एक दो गाड़ी बनाते हैं। तो कौन सा आलू बनाते हैं? कोल्ड वाला बनाते हैं। हाईलैंड हाईलैंड जाता है, ज्यादा हाईलैंड जाता है। तो कोल्ड वाला खरीदते हैं या यही वाला खरीदते हैं? कोल्ड वाला ले लेते हैं वो भी। कोल्ड वाला हाईलैंड कितने में लिया है हमने? 1900 रुपया का। 1900 रुपए का। तो वो एक नंबर वाला नहीं होगा? नहीं एक नंबर वाला नहीं है, गड्ढ में है, बिहार चल जाएगा। अच्छा एक नंबर वाला क्या भाव होगा? एक नंबर वाला 2021 होगी। अगर बात की जाए तो कोल्ड वाले का भाव, कोल्ड वाले और डंप वाले में लग रहा कोई अंतर नहीं है? नहीं कोई अंतर नहीं है, डंप ज्यादा बिक रहा। अच्छा कोल्ड में इतनी दम नहीं है जितनी डंप में अभी दम है। डंप की हाईलैंड कल की तारीख में 21 रुपए बिकेगी, ये भी आपको बता दें। अच्छा डंप वाला बढ़िया हाईलैंड, डंप वाला ज्यादा मतलब डिमांड है अच्छी तरीके से। हाँ क्योंकि कोल्ड में छोड़िए सूख चली जाती ना, जैसे यहाँ से लादा उन्होंने 51 किलो की बोरी, बिहार जाते जाते वो 49 रह जाती ना। बात ये, और इसमें अभी वजन सूखता नहीं है इसलिए ज्यादा पकड़ा है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वजन के वजह से व्यापारी कहीं ना कहीं डंप आलू को इस समय पकड़ रहे हैं। और अगर बात की जाए कोल्ड वाले आलू को तो कोल्ड वाला भी एक ही भाव बिक्रने के लिए उतनी उस तरीके की पकड़ नहीं, उसकी पकड़ नहीं है। तो भैया अब हाइब्रिड आलू की बात करते हैं, ये देखिए बिकना बाकी है। बरल वो बिके हैं मोटे आलू 16.5 रुपए 17 रुपए 18 रुपए तक, जैसी क्वालिटी वैसे बिके हैं। तो भैया सिंदूरी बिकी आज 21 रुपए की। 21 रुपए की। अच्छा भैया सोना की अगर कुल कुछ किसान भाई जानना चाहते हैं, सोना क्या रेट हो रहा है? सोना बिक रहा है 18, 19, 20। 19 ज्यादा बिक रहा है, 19 ज्यादा बिक रहा है। तो 18, 19, 20 बिक रहा है भैया। क्या अगर देखेंगे तो देखिए गाड़ी लगातार लाइन लगी है, और अगर देखेंगे तो आमदनी भैया क्या आपने यहाँ अपनी दुकान की क्या आमदनी? दुकान पे आज भैया 2500 रुपए किट है। 2500 जी। तो ये अपना कौन कौन से क्षेत्र का आता है? ये मेरा पर इस समय अगर आपको जुड़ा है तो दो गाड़ी मेरी मैनपुरी की है, दो गाड़ी हमारे कन्नौज छोटे हमारे मामा के यहाँ की खेमकर नंगला है, और एक गाड़ी जो है वो छिबरामऊ की है। छिबरामऊ की। अगर माना जाए तो कन्नौज छिबरामऊ और मैनपुरी यही क्षेत्र का आलू, यही क्षेत्र का आलू। क्या कह रहे हैं? मिंटू दुबे 500 रुपए का बात। छिबरामऊ वही ला वही भिजवाते हैं। उन्हीं का आलू था, उन्हीं था 500 पैकेट आईलैंड। अच्छा उन्हीं के एक ही आदमी 500? हाँ 500 पैकेट थे एक आदमी। 21 रुपए बिकी इनकी। 21 रुपए अपनो ही है का भैया? हाँ अपनो ही है। तो भैया छिबरामऊ क्षेत्र के हैं, तो भैया ये बताइए कि छिबरामऊ क्षेत्र में डंप कब तक उम्मीद है चलेगा? ये डंप तो कह रहे हैं ये हफ्ता डेढ़ हफ्ता चल जाएगा, अभी डेढ़ हफ्ता चलेगा। हाँ 15 दिन चलेगा।
तो 15 दिन फिलहाल में डंप चलेगा। जिस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में लगातार आलू आ भी रहा है और बिक्री भी चल रही है, और आज की अगर बिक्री देखी जाए तो कहीं ना कहीं बिक्री में आज भैया क्या सुधार है या लगभग सुधार है? सुधार आज बिक्री में 1.98 रुपए में है। अच्छा भैया, डिमांड आज आलू की है क्या आज की मार्केट में? सफेद आलू वही मान लीजिए आप 19 रुपए के पड़े आलू, 18-19 पैकार ज्यादा है आज के मार्केट में। हाँ, तो चालानी ज्यादा ले रही, पैकार इतना नहीं पकड़ा जितना चालानी पकड़ रही आलू। चालानी ज्यादा पकड़ रही आलू। तो भैया चालानी ज्यादा पकड़ रही, अगर माना जाए तो यूपी की सबसे बड़ी मंडी है, और चालानी के मामले में अगर मानी जाए तो देश की सबसे बड़ी मंडी है चकरपुर आलू मंडी, जहाँ पे सबसे ज्यादा चालानी का आलू लोड होता है। ये अपडेट था चकरपुर आलू मंडी से। किसान भाई इन लोगों से बातचीत करते हैं, कहाँ से आलू लाए थे या मंडी में? आलू लाए थे। कौन सा क्षेत्र लाए हैं? नंगला खेम कन्नौज। कन्नौज से। तो अपने क्षेत्र में डंप कितने दिन तक चलेगा? 8-10 दिन चले। आपोगे ना? आपो उसी का अपने डंप ज्यादा लगता है। ये कौन बात की जाए, खड़नी साइड में? किधर था? सकरावा साइड में। और सकरावा साइड में सकरावा क्या है? तो भैया सकरावा क्षेत्र के हैं किसान भाई, ये लोग अपना आलू लेके आए हैं, और अगर बात की जाए तो डंप वाला आलू लेके आए, उनका आलू फटाफट तरीके से बिक रहा है। ये अपडेट था चकरपुर आलू मंडी का। आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।